कि कई लोग ये पूछते हैं कि हर व्यक्ति का ध्यान साधना में या अध्यात्म की गहरी बातों में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता, उसकी रुचि क्यों नहीं होती। यूँ तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस शांति और आनंद की तलाश में ही है, यानी कि वो कुछ भी कर रहा हो अपने जीवन में वो तलाश तो उसी की कर रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का ध्यान और अध्यात्म की गहरी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ पाता, उनकी रुचि नहीं आ पाती? और जिनकी रुचि नहीं आ पाती, अगर आप देखेंगे तो वही कर्मकांडों में उलझे हैं, वही ज्योतिषियों, बाबाओं, तांत्रिकों, मांत्रिकों और तमाम तरह के जो इस तरह के अंधविश्वास हैं उनमें उलझे हैं। ये बात अभी व्यक्ति के विकसित होते रहने की है। जैसे जैसे उसकी चेतना का विकास होगा, उसकी पूरी टोटेलिटी का विकास होगा, तो उसकी रुचियाँ बदलेंगी। खान पान की रुचियाँ भी ऐसी हैं, साहित्य की रुचि भी ऐसी है। तो ध्यान अध्यात्म का जो एक्चुअल पाथ है, वास्तविक जो उसका ढंग है, उसमें हर कोई रुचि एकदम से ले लेगा ऐसा नहीं, वो विकसित होकर वहाँ पे पहुँचेगा। अब तमाम लोग हैं साहित्य के नाम पर, आप देखते हैं स्क्रैप लिटरेचर भी चलता है, लुगदी साहित्य है, उनकी उसी में रुचि है, अभी उनको उससे आगे की समझ नहीं है। लेकिन हम जैसा कि साहित्य में भी जानते हैं कि साहित्य में बहुत गहराई है, कविताएँ हैं, कई बार तुकबंदी से जुड़ी हुई कविताएँ हैं, कई बार बहुत गहरे अर्थों वाली कविताएँ हैं, सबकी रुचि अपने अपने ढंग से बनती है। तो साहित्य में हो, कला में हो, इसमें भी जो बहुत गहरे तल हैं उसमें भी हर कोई रुचि नहीं ले पाता, लेकिन कुछ न कुछ उसको अच्छा लग रहा है, कोई न कोई उसका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है किसी न किसी चीज़ में। फिर धीरे धीरे वो विकसित होगा, जब उस मुकाम तक जाएगा तो उसका इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। खान पान में भी वही है, देखिए बच्चे हैं, उनको हर चीज़ आकर्षित कर रही है। फिर जब हम कॉन्शियस होते हैं तो टेस्ट भी हमारा डेवलप होता है, हमारा जो भी सेंसरी प्लेजर है वो डेवलप होता है, फिर हम बेहतर से बेहतर टेस्ट की तरफ और अपनी हेल्थ की तरफ, तमाम चीज़ों की तरफ जा पाते हैं। शुरुआत में नहीं जाता व्यक्ति, लेकिन इन अ वे वो जा तो उधर ही रहा है, कोशिश तो उसकी वही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हर किसी की रुचि आएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे कुछ लोग उस मैच्योरिटी पर आएंगे तो उसकी वास्तविक चीज़ को वो जानेंगे, वास्तविक चीज़ में जिनकी रुचि नहीं होगी वो उसके सब्स्टिट्यूट में रुचि रखेंगे। लेकिन जा हर कोई उस शांति और आनंद की तलाश में ही रहा है, इतना तय है।